टेस्ट तो नहीं, लेकिन सब लोगों ने वैक्सीन जरूर लिया होगा। तो मैं वैक्सीन की बात नहीं, मैं टेस्ट की बात करता हूँ। मान लीजिए आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट क्या होता है? एक रूल होता है। टेस्ट क्या होता है? एक रूल होता है। टेस्ट में क्या होता है? आपके अंदर जो भी आपकी मेटाबॉलिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, जो भी चीज है वो मापा जाता है, मेजर किया जाता है, एंड आपका टेस्ट रिजल्ट जो है वो दिया जाता है। तो आपका हो सकता है पॉजिटिव आ सकता है, कोविड पॉजिटिव, भगवान ना करे, निगेटिव भी आ सकता है। गौर कीजिए, देखिए, अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल लिया जाएगा। आपके नाक से सैंपल निकालेगा, ब्लड से सैंपल लेगा, आपके यहाँ पे टेम्परेचर डाल करके देखेगा, हाँ, मतलब ये आपको सब कुछ टेम्परेचर उम्परेचर चेक करेगा। तो टेस्ट का रिजल्ट हो सकता है कि पॉजिटिव आया हो, और टेस्ट का रिजल्ट हो सकता है कि निगेटिव आया। और आपकी रियल सिचुएशन भी तो कुछ होगी, या तो आपको हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा, रियल सिचुएशन। तो मान लीजिए रियल सिचुएशन, और रियल सिचुएशन मतलब देखिए, आपका जो सैंपल लिया, गौर कीजिए, सैंपल जो लिया वो आपका छोटा सा स्लाइवा लिया है ना, आपके नोज में से एक छोटा सा स्लाइवा निकालता है, या आपके बॉडी का एक छोटा सा ब्लड का सैंपल लेता है। बट आपके बॉडी में तो उसी ब्लड का सैंपल का बहुत सारा ब्लड भरा, मतलब पॉपुलेशन तो आपका शरीर है, पॉपुलेशन आपका शरीर है। तो आपका शरीर पॉपुलेशन है, तो उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग होगा वो होगा थीटा, जो कि अगर एक्सेप्ट हुआ, मतलब या तो आपका बॉडी में सच में जो आपका कोविड का सेल दिखाई दिया होगा, तो अगर कोविड का सेल दिखाई दिया होगा तो आपका यहाँ पॉजिटिव हैं आप, मतलब रियली आप पॉजिटिव होते। और नहीं, अगर सेल दिखाई दिया, मतलब सच में अगर आपके अंदर नहीं है, तो आपको निगेटिव दिखाई देगा। बट टेस्ट का अपना रिजल्ट होगा, और आपके शरीर का अपना, टेस्ट गलत भी साबित होता है, ठीक है, टेस्ट जो भी आप करवाते हैं वो गलत भी हो सकता है। तो बस ये बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिव आपको पता चलिए। अब गौर कीजिए, सपोज कीजिए कि आप सच में कोविड पॉजिटिव हैं, मत कीजिएगा सपोज, डर मत जाइएगा, नहीं है आप, लेकिन मतलब मैं बस फॉर द एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए आप कोविड पॉजिटिव हैं, एंड यू गॉट आरटीपीसीआर टेस्ट, आपने टेस्ट करवाया एंड यू डिटेक्टेड पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात। अगर आपने डिटेक्ट हो गया तो आपकी वजह से होने वाले खतरे टल गए, मतलब आपकी पहले तो दवाई शुरू हो जाएगी, जान बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप पॉजिटिव हो गए तो आप कम से कम क्वारंटाइन हो जाएंगे, जिससे कि दूसरे लोगों को बचने का मौका मिलेगा। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव थे और आप पॉजिटिव पाए गए इन द टेस्ट, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द टेस्ट। टेस्ट इज अ मशीन, एक रूल बनाता है, फंक्शन बनाता है, और वो फंक्शन कह रहा है पॉजिटिव, जबकि आप थे पॉजिटिव, है ना, तो इसका मतलब वो एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, करेक्ट डिसीजन, है ना, इसका मतलब दिस इज अ करेक्ट डिसीजन। मैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग ही बात करूंगा यहाँ पे, ध्यान रहे। ये आपका कहेगा क्या, ये आपका होगा, देख लीजिएगा, ये आपका होगा डिसीजन, मैं इस ऊपर डिसीजन लिख रहा हूं, ठीक है, इट विल बी योर डिसीजन, ऊपर पार्ट में डिसीजन लिखूंगा, ठीक है। डिसीजन क्या होगा, डिसीजन क्या होगा, गौर कीजिएगा, या तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट, गौर कीजिएगा, मैं दोनों को बस बना दूंगा। और ये होगा आपका टेस्ट, मतलब हाइपोथेसिस, ठीक है, तो हाइपोथेसिस या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स, गौर कीजिएगा, मैं समझा दूंगा इसके थ्रू। ये देखिए, ये हुआ हाइपोथेसिस, जो कि हो सकती है या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। अब समझिएगा, मैं यहां बोला कि आपका टेस्ट बोल रहा है कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि टेस्ट आप करवाने जब गए थे, टेस्ट तक जब करवाने गए थे, तो आप ये मान के चले थे, आपकी हाइपोथेसिस ये थी एच नॉट कि आई हैव कोविड, है ना, आई हैव कोविड, ठीक है, आप ये मान के चले थे कि आई हैव कोविड, ठीक है, वो चेक इसी जान करके किया था कि आपको कोविड है, ठीक है, उसको इसको रिजेक्ट करने का मन था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो देखिएगा, एक ट्रू हाइपोथेसिस था, मतलब कि ये जो हाइपोथेसिस होता है हमेशा आपको ये वाली जो रियल सिचुएशन होता है उसके बारे में कहा जाता है। हाइपोथेसिस जो होता है वो हमेशा पॉपुलेशन का लिया जाता है, और पॉपुलेशन मतलब रियल सिचुएशन। तो आपको ट्रू कह रहा है, मतलब आई हैव कोविड इज ट्रू,
मतलब कि आपको सच में है, और इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट डिसीजन, समझ रहे हैं, करेक्ट डिसीजन। मतलब कि जब आप पॉजिटिव थे और सच में टेस्ट ने आपको पॉजिटिव दिया, तो एक ट्रू हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। मतलब जो हाइपोथेसिस आप मान के चले थे आई हैव कोविड, वो आपके टेस्ट ने डिटेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, समझ रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया। जो ही एक्सेप्ट किया, तो ये डिसीजन जो टेस्ट ने लिया, जो डिसीजन ले लिया, जो डिसीजन आपने लिया या टेस्ट ने लिया, वो था करेक्ट। आप यही समझेंगे ना कि आई हैव कोविड हम मान के चले थे और हम टेस्ट करवाए, तो हमारा डिसीजन सही है कि गलत। तो सच में अगर आपका हो गया तो सही है भाई डिसीजन, करेक्ट डिसीजन। अब सवाल कीजिए, सपोज कीजिए कि आपको कोविड है और यहां निकल गया कि आपको कोविड नहीं है, निगेटिव आ गया आपका, तो कोविड है आपको, रियली कोविड है। अब गौर कीजिए क्या दिक्कतें होंगी, आपको कोविड है और आपको तो बोल दिया कि नहीं है कोविड, अब आप मस्ती से घूमेंगे, बाहर जाके समोसा खाएंगे, खुद भी और दूसरों को भी मारेंगे, दिक्कत है। प्लस में आपकी स्थिति खराब होगी, प्रॉब्लम है। हाँ, ये होगा कि लोग आपको क्वारंटीन नहीं करेंगे, है ना, आप मजे में रहोगे, लेकिन उस मजा का सजा आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी मिलेगा। अब समझिएगा, तो ये कोविड आपका निगेटिव आ गया टेस्ट में, यानी कि अब क्या हुआ, ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी गई टेस्ट के द्वारा, है ना, ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी गई टेस्ट के द्वारा। आप क्या सोचेंगे कि भाई फालतू का टेस्ट करवाए, पैसा भी लग गया, समझ रहे हैं, आप ये कहेंगे कि फालतू का टेस्ट करवाए, पैसा भी लग गया, लेकिन हमारा कुछ निकला नहीं, और सच में वो फालतू का डिसीजन था, क्योंकि आपने करवाया तो निकला ही नहीं, है ना, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया इनकरेक्ट डिसीजन, ये एक एरर हुआ ना, एक गलती हुई इसमें कि आपने टेस्ट करवाया, आपसे नहीं हुई गलती इस टेस्ट प्रोसीजर से हुई है, समझिएगा, आपसे नहीं हुई गलती, आपके इस टेस्ट प्रोसीजर से गलती हुई है, यानी कि आपने जो डिसीजन लिया ना कि फलाना लैब से करवाना है, वो गलती थी आपकी। तो इस टाइप के एरर को हम लोग कहते हैं टाइप वन एरर। इस टाइप में क्या होता है कि रियली चीजें वही रहती है, रियली एच नॉट ट्रू रहता है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, समझिएगा। मतलब मैं अपने एडमिशन लेने का सोचा ही नहीं, तो वो आपका डिसीजन गलत था, तो उस टाइप के एरर को हम कहते हैं टाइप वन एरर, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, दूसरा केस आता है कि सपोज कीजिए आपको कोविड नहीं है, ठीक है, कोविड नहीं है, ठीक है, कोविड नहीं है का मतलब समझिएगा कि ये जो एच नॉट है ना, ये इनकरेक्ट है, एच नॉट फॉल्स है, एच नॉट फॉल्स इसीलिए लिख रहा हूँ फॉल्स, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ एच नॉट के बारे में बोल रहा हूँ, एच नॉट नहीं है तो ऑब्वियसली एच वन है, ये वाली बात तो ध्यान में रखिएगा, लेकिन वो खैर दूसरी बात है, एच नॉट फॉल्स है ये बोल रहा हूँ। अब गौर कीजिए, मतलब यू डू नॉट हैव कोविड, इसका उल्टा यही होगा, एंड जब आप टेस्ट करवाए तो क्या हो गया, इसने सच में पॉजिटिव घोषित कर दिया आपको, टेस्ट करवाया पॉजिटिव, भाई साहब हमारे गांव में ऐसा हुआ है, एक बहुत ही अमीर आदमी है, मतलब हमारे अंकल लगते हैं, और उनका जो है उनके बेटा का टेस्ट हुआ, एक लौता बेटा है, और कोविड आ गया, उसको पॉजिटिव आ गया, था या नहीं खैर वो तो बात की बात है, रियलिटी तो खैर कोई नहीं जानता, सब टेस्ट के बेसिस पे ही जानता है, लेकिन उसका पॉजिटिव आ गया, भाई साहब उसके साथ साथ उसके पापा को, मम्मी को, पत्नी को, सबको हो गया, मतलब ये नहीं कि उसको कोविड हुआ, सबको टेंशन से बीमारी हो गई, कोई कोई कुछ ना कुछ सबको टेंशन हो गया, इकलौता बेटा मर जाएगा तो ये करोड़ों की संपत्ति कौन लेगा, समझ रहे हैं, तो ये एक निगेटिव चीज है ना इसका। अगर आपको है नहीं तो टेस्ट का ये होना चाहिए कि भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा ये रिजेक्ट कर दे, अगर नहीं है तो टेस्ट को जो है ये निगेटिव घोषित करे, तो उसने ऐसा नहीं किया। अब ये एक बहुत ही खतरनाक एरर हुआ, है ना, और इस एरर का नाम है टाइप 2 एरर। ठीक है, मतलब फॉल्स हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, समझ रहे हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूं इस चीज को। फिर देखिए, अब समझिए रियल सिचुएशन भी निगेटिव है और निगेटिव जो है आपका टेस्ट भी बतला दे, तो अच्छी बात है भाई, टेंशन भी नहीं हुआ, तब तक अपना आराम से फिर रह भी सकते हैं, थोड़ा सा
कहा जाता है कि केयरफुल रहो, तो रहना भाई सब लोग केयरफुल रहना। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से रहो, एंड ये होगा हमारा करेक्ट डिसीजन। टेस्ट करवाना उसका करेक्ट डिसीजन था, एंड जो डिसीजन टेस्ट के द्वारा लिया गया, जो रूल के द्वारा लिया गया, वो आपका करेक्ट था। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास दो करेक्ट डिसीजन आए और दो टाइप टू एरर आए। बतलाता हूं करेक्ट डिसीजन में क्या हुआ। यहां देखिए, ये आपको मैंने जो दिया ये एग्जाम्पल काफी ठीक ठाक था, लेकिन इसके अलावा बतलाता हूं यहाँ पे टाइप वन ईरर का प्रोबेबिलिटी जो होगा उसको हम साइज ऑफ द टेस्ट कहते हैं।